बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सुफलाम में सीएम योगी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान धरती और जल का ही हुआ। धरती माता के साथ खिलवाड़ गलत है, जो हर हाल में बंद होना चाहिए। इसके लिए ये जरूरी है कि केमिकल युक्त खेती की जगह गौ आधारित प्राकृतिक खेती की जाए। नवनिंचन की सरकार जब कार्य करती है तो किस रूप में उसके परिणाम आते हैं कि गंगा के तटवर्ती दोनों क्षेत्र जो भी जनपद हमारे पड़ेंगे, ऐसे 27 जनपदों में हम प्राकृतिक खेती करेंगे, गौ आधारित प्राकृतिक खेती करेंगे। कोई पेस्टिसाइड नहीं, कोई केमिकल नहीं, कोई फर्टिलाइजर नहीं। और इसको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने अपने स्तर पर भी इंसेंटिव देने प्रारंभ किए। जोशीमठ भू धसाव पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मैंने सभी से अनुरोध किया है कि इस समय मिलकर काम करने का है। लोग इस काम पर लगे हुए हैं। खतरे में आने वाले 68 मकान में रहने वालों को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया गया और 600 से ज्यादा मकानों का जो एक जोन बना है वहां से भी लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। देखिए, हमने सभी लोगों से अनुरोध किया है कि ये समय सबको मिलजुल कर जोशीमठ को बचाने का समय है। सब लोग एक टीम के रूप में काम करें, सभी लोग मिलकर, सरकार है, सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, हमारी सबकी पहली प्राथमिकता है कि जोशीमठ शहर बसना चाहिए और लोगों की जान माल की सुरक्षा होनी। बस्ती में सुभाषपा की महिला हक अधिकार महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पहुंचे। इस दौरान राजभर ने महिला हितों की बात करते हुए कहा कि महिलाओं की आबादी आधी है, इसलिए उनकी हर क्षेत्र में आधी भागीदारी होनी चाहिए। वो राजनीति के क्षेत्र में लोकसभा और विधानसभा में सरकारी, प्राइवेट नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में उनकी 50% भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। 30% रिजर्वेशन की लागू की है, तो जब आधी आबादी इनकी है तो 33 का 50 हो जाए और ये बात लोकसभा और विधानसभा में भी हो जाए। नौकरियों में भी जब आधी आबादी है तो इनको 50% सीटें आरक्षित हो जाए, शिक्षण संस्थाओं में भी 50% सीटें इनकी आरक्षित हो जाए। बस्ती पहुंचे निषाद पार्टी के मुखिया और यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने अखिलेश यादव, राहुल गांधी और ओपी राजभर पर जमकर शब्दों के बाण चलाए। संजय निषाद ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल के बाबा ने कुर्ता पहनकर भारत तोड़ने का काम किया। ये बात सभी जानते हैं कैसे उनके बाबा ने भारत का विभाजन किया और राहुल भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जिसका कोई असर जनता पर नहीं होगा। के बाबा ने कुर्ता पहनकर भारत तोड़ने की काम किया था। कांग्रेस के समय अभी हम लोगों ने आपने देखा होगा भारत विभाजन का विभिषिका दिवस मनाया था, उसमें पूरे देश की जनता जान गई कि कैसे भारत को तोड़ा गया था। पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान, बांग्लादेश का बंटवारा कैसे हुआ था। अब हम लोगों ने जो सटे लोग हैं, हम लोग अब इसको लायक बना रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग सोच रहे हैं कि हम भारत में विलीन हो जाए। चंदौली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे ने जिले में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा की और उसके बाद कृषि विज्ञान केंद्र में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मंत्री ने करीब 2323 लाख की लागत की 114 परियोजनाओं का शिलान्यास और 343.4 लाख लागत से तैयार 13 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इसमें कई प्रोजेक्ट शामिल हैं। यूपी में 98 साल के बुजुर्ग कैदी को जेल कर्मियों ने विदाई देकर आज जेल से रिहा कर दिया। बुजुर्ग की रिहाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बुजुर्ग का नाम राम सूरत बताया जा रहा है, जो कि अयोध्या जेल में बंद था। बुजुर्ग को 8 अगस्त 2022 को ही रिहा होना था। बुजुर्ग को कोरोना होने की वजह से उसकी रिहाई में देरी हुई। हालांकि रिहाई के दौरान बुजुर्ग के घर से कोई लेने तक नहीं आया। शीतलहर जारी होने के साथ साथ पूरे प्रदेश में आज सुबह से घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के कारण प्रदेश में कई जगहों पर सड़क हादसे के मामले सामने आए। सुबह सुबह उन्नाव के आगरा एक्सप्रेसवे पर कोहरे के कारण एक स्लीपर बस डीसीएम में जा घुसी। हादसे में बस सवार 4 यात्रियों की मौत हो गई, वहीं 10 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने घायल यात्रियों को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर और जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। उत्तर प्रदेश में शीतलहर के चलते आम लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। लखीमपुर समेत कई जिलों में कोहरे और शीतलहर के कारण तापमान 4 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने यूपी में ठंड और कोहरे को लेकर अगले 48 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। विभाग के मुताबिक आने वाले 3 से 4 दिन मौसम ऐसा ही रहने वाला है। उत्तर प्रदेश की राजधानी में सनसनीखेज मामला सामने आया। गोमती नगर में दबंगों ने सेना के मेजर की गाड़ी में आग लगा दी।
मेजर ने आरोपितों के डीजे बजाने पर आपत्ति जताई थी। इस बात से नाराज होकर दबंगों ने वारदात को अंजाम दिया। होटल मिलानो एंड कैफे में तेज आवाज में डीजे बज रहा था, जिससे आसपास के इलाकों में भी काफी शोर हो रहा था।